पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं केयरटेकर जिलानी, उनकी और मुल्ला शिरीन की, जो कि गवर्नर है कंदहार के, कंदहार अफगानिस्तान में है, वहाँ के गवर्नर है, वही मीटिंग मीटिंग हुई और पाकिस्तान ने कई बातें करी तालिबान से। और पाकिस्तान ने बोला यार कि देखो ये जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ये जो हमारे बीच में तू तू मैं खींच खिंचाव है, इसको कम हमें करना है। सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये तो आपने मुहावरा सुन चुके होंगे, कई बार सुना होगा आपने। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये कह रहा है कि हमें मन मुटाव नहीं करना चाहिए, आओ यारी करें, आओ दोस्ती करें, ये वो कह रहा है 10 लाख अफगानों को वापस भेजने के बाद। पाकिस्तान मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर तालिबान ने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, डैम बना लिया, तो हम लोग लड़ेंगे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि पहले वो लोग खुद को इतना मजबूत तो कर लें। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। अगर हम पठान और तालिबान की हिस्ट्री देखें कि बहुत पुरानी है, लोग बहुत बहादुर है, इनको अमेरिका जैसे सुपर पावर नहीं हरा सका, इनको चाइना नहीं पीछे कर सका। वो चाइना को भगा देते हैं कि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करोगे, और वो वहां पे कर सकते हैं, कभी भी नहीं। ऐसी हिपोक्रेसी, ऐसी मुनाफकत, ऐसा दो मुंहा एटीट्यूड सिर्फ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ही ये जोक मार सकता था, सिर्फ पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान ये जोक मार सकता था कि भाईजान आप एक काम करो, हम 10 लाख अफगानों को घर से भी निकालेंगे जो कई सालों से यहां पे रह रहे हैं, हम बाकी और हमें 7 लाख और निकालने हैं, टोटल 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख को हमें निकालना है पाकिस्तान से। लेकिन जब ये मुल्ला शिरीन से मिलेंगे तो बोलेंगे साहब कि थोड़ा सा आपकी हमारी दोस्ती बेहतर हो जाए। मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए दो दो चैलेंज होंगे। एक तो इंडिया ऑलरेडी हमारा दुश्मन है, अच्छा। तो अफगानिस्तान तो हम ये समझते हैं अफगानिस्तान तो इंडिया से बदतर है, अच्छा। जिन्हें हमने बड़ी देर पनाह में रखा, हमने उन्हें अपने घर बना के दिए, हम अपने आप। पाकिस्तान अपने दोहरे चरित्र की वजह से जैसा कि जाना जा रहा है, और अपने दोगलेपन के कारण उसकी जो इमेज देश दुनिया में बन रही है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आज के टाइम पे हर कोई पाकिस्तान की इन हरकतों को जान रहा है, पहचान रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी पाकिस्तानी अपने आप को बहुत ही हाव भाव में और अपने आप को एक बहुत बड़ी महसियत के रूप में, एक बहुत बड़े देश के रूप में देखते हैं और समझते हैं कि उनसे बड़ा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। अब ऐसे में इस देश का भविष्य क्या होने वाला है ये वहाँ के खुद की पब्लिक नहीं बता सकती है, तो हम और आप क्या बता सकते हैं। अभी हाल ही में इन लोगों ने तालिबान को धमकी दिया कि हम तुमसे युद्ध करेंगे अगर तुमने डैम बना लिया तो। अगर तुमने हमारे एक नदी है उस पर ये लोग डैम बना रहे थे, उस नदी का पानी पाकिस्तान में भी आता था, तो ये इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडिया को दे दिया तालिबान ने, और कहा कि आप आइए हमारे यहाँ डैम बना दीजिए। तो इंडिया ने कहा ठीक है हम बना रहे हैं। अब इसके बाद में अब पाकिस्तानी उस पर तालिबान को पहले धमकी देने लगे कि हम तुमसे जंग करेंगे, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसा कि इनकी धमकी भरा लहजा हमेशा आपने देखा ही होगा कि किस तरह से ये लोगों को धमकियां देते घूमते रहते हैं कि ये एटमी बम है हमारे पास, हम तुमको तबाह कर देंगे, हम बहुत बड़े वाले तोप हैं। फिलहाल अब ये अपनी असलियत लोगों से छुपाने के लिए ही लोगों को धमकी उमकी देते रहते हैं, क्योंकि इनके तोप में तेल नहीं है, इनके गोला बारूद जाम पड़ चुके हैं, प्रैक्टिस इनकी आर्मी कभी करती नहीं है सिवाय वो राजनीति करने के, और उनको जो प्रैक्टिस करना होता है वो अपने बलोच में और सिंध में, इन सब जगह पर लोग मासूम निहत्थों को मार वार के ये अपना प्रैक्टिस करते हैं। इनके पास इनका बंदूक भी पता नहीं कितने साल से जंग खाया हुआ पड़ा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने पहले तालिबान को धमकी दे दिया कि हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा देश बर्बाद कर देंगे अगर तुमने जो है डैम बनाने दिया इंडिया को अपने सरजमी पर, अपने वतन में। फिर इसके बाद में अब होता क्या है भाई कि अभी हाल ही में इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं इस समय के, और ये केयरटेकर विदेश मंत्री हैं, तो इनकी मीटिंग होती है तालिबान विदेश मंत्री के साथ, तो वहां पर ये जाकर उन्हीं को नसीहत दे रहे थे कि भाई हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम, और हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी समस्याएं सुलझानी चाहिए। मतलब उनको उल्टा समझा रहे हैं इस तरह से इनका बिहेवियर है। मतलब आपने इतने सारे अफगानी को बाहर खदेड़ दिया, इतने सारे लोगों को आपने उनसे घर छीन लिया, मकान छीन लिया, उनको भेज दिया ऐसे ही मुंह उठा के कि आप जाओ जहां जाना चाहे आप जाओ, अब उसके बाद में आप तालिबान से संबंध बढ़िया बनाना चाहते हैं, मतलब आप उनको समझा रहे हैं, ये क्या रवैया है? इससे आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने देश में जब आप होते हैं तो आप धमकी देते हैं, धमकियां लगाते हैं अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं, आप उनको धमकी देते हैं। आप जब उनके साथ बैठते हैं, उनके सामने बैठते हैं, तो आप फिर उनसे अच्छे रिश्ते की बात करते हैं। क्या तालिबानी इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो आपकी इस चाल को समझ नहीं रहे हैं? जब आप बैठेंगे उनके सामने
उनके देश में मीटिंग करेंगे तो आप समझाएंगे कि हमें अपना रिश्ता सही करना है, और जब आप अपने देश में पहुंचेंगे तो वहां से अनाप शनाप आप जो मुंह में आया, लंबी सी जबान आपकी, जो मुंह में आया वो बोल दिया आप उठा के मुंह। तो इस तरह से आपका ये दोहरा चरित्र सबको पता है। तो आप इन सब चीजों पे ज्यादा विश्वास मत कीजिए, आप इन सब गलतफहमी में मत रहिए कि आपका अपने पड़ोसियों से कोई अच्छा रिलेशन बनने वाला है। तो इस तरह से ये पाकिस्तानी भारत और अफगान के बीच में बुरे फंसे हुए हैं और इधर उधर से इनकी छटपटाहट कभी इस तरफ कभी उस तरफ निकलती ही रहती है। तो चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा इनका मामला, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूले, और अपने जो ख्यालात हैं इन सब विषयों पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसे फैमिली से ज्यादा हमने उन्हें सपोर्ट किया, आज वही हमारा दुश्मन। ये मीटिंग हुई और वहां पे पाकिस्तान ने खूब कोशिश करी मुल्ला शरी को समझाने की कि ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर की उसकी 6th मीटिंग, उसके बारे में बात हुई कि हमारे जो आपसी मसले हैं उसका हम लोग म्यूचुअली हल कर दें, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बात करी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कि भाई आप उनको शरण देते हैं और आपके आशीर्वाद से वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। सोचा ही नहीं है, आपने मोटरवे तो बनाए, आपने बहुत कुछ बनाया, लेकिन पानी के बारे में कभी आपने सोचा है? आपका बहुत सा पानी जो है वो समुंदर बर्द हो जाता है और सैलाब में लोग जो है वो डूब जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारा जो पानी इंडिया से आ रहा है हम उसको महफूज करें और उसमें डैम बनाए? अभी लोड शेडिंग जो हो रही है, हमारे पास अपना पानी महफूज होता तो हम ये लोड शेडिंग क्यों ये बर्दाश्त करते? हमारी मुफ्त की बिजली जो है वो पानी से बनती है, लेकिन हम अपना पानी जो है वो समुंदर को दे देते हैं। सिंध जो है वो बूंद बूंद को तरस रहा है। अभी किसानों के पास जो है वो अपनी फसलें खराब करने के लिए एक घूंट पानी। ये भी बात हो गई। तीसरी बात हुई जो वहां पे दोस्तों, वो ये बात हुई कि जो ड्यूरेंट लाइन है ना, करीब 2500 किलोमीटर से आसपास है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो ड्यूरेंट लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक डिफैक्टो बॉर्डर है। अब उस बॉर्डर को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, कारण है ना दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई फसाद की जड़ है वो कारण जमीन है। इट इज लैंड दैट इज द डिस्प्यूट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नहीं है, करेंगे क्यों नहीं, करनी चाहिए। आप ही जंग करोगे? जी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जो कंगनपुर वाली ये डैम आता है ना इस तरफ, हाँ। कसूर वाली साइड पे, हाँ। ये हमें पानी को डैम बना के हमें रोकना चाहिए यहाँ पे। और इधर हम डैम नहीं बना रहे, हाँ। हमारे पहली बात तो ये है कि हमारे जो सियासी लोग हैं ना, इनकी आपस में नहीं बन रही, वो आपस में लड़ते हैं लेकिन हम अवाम भूखी मर रहे हैं। ड्यूरेंट करके एक ब्यूरोक्रेट था ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, ड्यूरेंट। ड्यूरेंट ने क्या करा, उसने बिना सोचे समझे एक बड़े शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक लकीर खींची, हाँ, सीधा। अंग्रेज था, लकीर खींच सकता था, उसने खींच दी लकीर। कुछ नहीं सोचा कि कौन सी ट्राइब कहां पे रहती है, किसकी रिश्तेदारी यहां पे है, कोई स्टडी नहीं करा, टक से लाइन खींची उसने। उसका नाम ड्यूरेंट था, उस लाइन का नाम हो गया ड्यूरेंट लाइन, और वो बन गया डिफैक्टो बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। दोस्ती कायदे आजम ने कहा था कि ये ना दोगले लोग हैं। अच्छा, ये जो मोदी है ना इनका, ये दोगले लोग हैं, और दोगले लोगों से जो मुसलमान होता है ना वो साथ नहीं देता। क्या दोगलापन है ना, बात पूरी किया। दोगलापन ये है कि वो आपस में मामला सेट कर लेते हैं और पाकिस्तान को वो पीछे छोड़ देते हैं। तो ये तो वो अपने मुल्क के लिए अच्छा ही कर रहे हैं ना, हमें अपने लिए अच्छा करना चाहिए। अगर हमारा मुल्क उनके लिए अच्छा करते हैं ना, आगे वो बाबा जी बात कर रहे थे कि वो हम आटा देते हैं उनको, जब उनको कोई जरूरत होती है तो हम इधर से पाकिस्तान से उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत है तब वो पीछे हटते हैं। अब दोस्तों ये जो जब हम कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये जो लाइन खींची थी ये 1893 में, अब 1893 में तो पाकिस्तान था नहीं, राइट? 1893 में there was no पाकिस्तान, राइट? पाकिस्तान तो 1947 में वजूद में आया। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि उस समय वो इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 1893 में मोर्टिमर ड्यूरेंट ने लाइन खींच दी, बोला खींचो, उसने खींची, उसने लाइन खींची, कुछ परिवार वहां पे, कुछ परिवार। अब क्या है कि किसी को अफगानों ने कभी ये लाइन मानी नहीं, ड्यूरेंट लाइन दोस्तों। ये अब पीछे हुकूमत ने जितने भी अफगानी थे सब भगा दिए इधर से। हाँ जी, पड़ोसी जो होता है ना वो साथ वाले की मदद करता है। अच्छा। लेकिन ये हमारा पड़ोसी बनने के बजाय हिंदुस्तान वालों का पड़ोसी बन रहा है। ओ, मैम इन्हें जंग करके क्या मिलना है? मुसलमान तो सब है, मैं खुद मैं लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट, जब मैं पंजाब ऑफिस में वकील हूँ मैं साथ, ठीक है। मैं ये सलाह करना चाह रहा था, बात पता क्या है, पहले हम बाहर जा रहे हैं ना, पहले हम इस मुतालबे पर चले हमारे ये मुल्क में क्या हो रहा है। इन्होंने कभी नहीं मानी,
इनको कभी इंटरेस्ट, अफगानिस्तान के लोग हैं, इन्होंने कभी इसको तस्लीम नहीं करा। लेकिन पहले इतनी चिकचिक नहीं होती थी, इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे। और क्यों नहीं होते थे मैं आपको बताता हूँ। वो दोस्तों इसलिए लड़ाई झगड़ा चिकचिक नहीं होता था क्योंकि ये जो पूरा मामला था ना इसका, ये पूरा का ड्यूरेंड लाइन का मामला, तब तक क्या था कि अंग्रेजों ने कभी अफगानों को इधर आने से नहीं रोका और यहां के पठानों को वहां जाने से नहीं रोका। ये खेल मूवमेंट का भी है। जमीन का क्या मतलब है, यहां के आ जा सकें, जमीन का तो यही काम है, आप घर बना सकें, वहां पे बिजनेस कर सकें, आपकी तिजारत हो, आपकी ट्रेड हो, आपकी रिश्तेदारी हो, आपकी खेती बाड़ी हो, यही तो जमीन से होता है। तो अंग्रेजों ने कभी रोका नहीं। हम किस पोजीशन पर चल रहे हैं, ठीक है, ये आप ये देख लें, वो एक गरीब बंदा है, मजदूर बंदा उधर खड़ा है, ठीक है, वो उधर खड़ा है, बेरोजगारी में खड़े हुए हैं, मतलब कि उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो मतलब कि आ रहे हैं यार, ये इधर से लोगों के फट्टे उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे कोर्ट में मतलब कि काफ़ी वगैरह आई हैं चीज़ें। नहीं मैम बात पता क्या है, ये पावर की बात कर रहे हैं ना आप, पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हमारे अपने हुक्मरान ने ठीक, मतलब कि कोई किसी के साथ वो ये बात ऐसे कर ली वैसे कर ली, ये देखे ना ये, हम लोग इनके मुल्क में चले जाते हैं ना, ये हमें काटने को आते हैं, हम उधर जाके तालिबान मैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हमारे इधर आजाद फिर रहे हैं, कोई पूछने गिछने वाला नहीं है। पाकिस्तानियों ने रोकना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी जब तक अफगानिस्तान का फायदा उठा सकते थे उन्होंने खूब फायदा उठाया, और जब उनको लगा कि यार अब नहीं यार, अब हमारी तरफ है, क्योंकि आप किसी का घर जलाएंगे तो लपटें आपकी ओर भी आएंगी, जाहिर सी बात है। मैं आपका घर पे आग लगाऊंगा तो क्या मेरा घर नहीं जलेगा, मेरा घर भी जलेगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने अफगानों का तो घर जला दिया, लेकिन जब लपटें यहां पे आने लगी उन्होंने फेंस बना दिया ड्यूरेंड लाइन पे। लेकिन सारे अफगान एक बात पे एकजुट हैं, एक बात पे सारे के सारे अफगान, और किस बात पे एकजुट हैं, एक बात पे एकजुट हैं कि ड्यूरेंड लाइन को हम बॉर्डर नहीं मानते, पाकिस्तान ने हमारी जमीनें घेर रखी।